सब्सक्राइब करें किटी की पहली चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ दो इंटरेस्टिंग पहेलियाँ। इसके आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपको सॉल्व करने हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ किटी और स्वागत है आप सभी का किटी की पहेली इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरी लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में पूछा था WHO की फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। तो दोस्तों इसका आंसर है WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो चलिए दोस्तों अब टाइम है मेरी इंटरेस्टिंग पहेलियों का। दो चोर होते हैं, चोर वन को किसी के थ्रो चोर टू तक एक बॉक्स पहुंचाना होता है जिसमें उन्होंने कुछ कीमती चीज चोरी की है वो रखी है। क्योंकि बॉक्स में कुछ कीमती चीज है तो वो दोनों चाहते थे कि बॉक्स बीच में कोई खोल ना ले। उन दोनों चोरों के पास एक एक लॉक और उसकी एक एक ही चाबी होती है। अब बॉक्स में अगर ताला लगा के चोर वन चोर टू के पास बॉक्स भेजता है तो चोर टू बॉक्स खोलेगा कैसे, क्योंकि चाबी तो चोर वन के पास है। और हाँ, चोर वन साथ में चाबी नहीं भेज सकता, नहीं तो कोई और वो लॉक खोल देगा। दोनों ने कुछ सोचा और एक तरकीब लगाई जिससे बॉक्स सिर्फ चोर टू खोल पाया, बीच में किसी ने भी नहीं खोला। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं उन्होंने क्या तरकीब लगाई? इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ और अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकती हैं। आंसर मुझे कमेंट करें। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ। चोर वन ने ताला लगा के बॉक्स चोर टू के पास भेज दिया, फिर चोर टू ने उस पे अपना ताला लगाया और फिर दोनों तालों के साथ वापस बॉक्स चोर वन के पास भेज दिया। फिर चोर वन ने अपना ताला बॉक्स पर से खोल लिया। अब बॉक्स पे सिर्फ एक ताला बचा है और वो ताला चोर टू का है। उसने बॉक्स वापस चोर टू के पास भेज दिया जिसमें अब सिर्फ एक ताला है। क्योंकि अब ताला चोर टू का लगा हुआ है, फिर चोर टू ने बड़े आसानी से वो ताला खोल लिया और बड़े इजीली उसे वो कीमती चीज मिल गई। दोस्तों मुझे कमेंट करें आपको ये पहेली कैसी लगी। चलिए अब चलते हैं आज की मेरी दूसरी इंटरेस्टिंग पहेली पे। दोस्तों आपको सिर्फ एक मैच स्टिक को हिलाना है और आपको सही इक्वेशन बनानी है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर मुझे कमेंट करें। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ हम ये इक्वेशन को सही कैसे बनाएंगे। हम ये वाली स्टिक को मूव करेंगे और यहाँ लगा देंगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 5 + 4 = 9। देखिए बन गई ना सही इक्वेशन। तो दोस्तों देखा आपने पहली वन में चोर वन ने किस तरह से बॉक्स को चोर टू के पास सेफली पहुंचा दिया और पहली टू में आपने देखा किस तरह से हमने सिर्फ एक मैच स्टिक हिलाकर एक नई इक्वेशन बना दी। तो दोस्तों अब टाइम है मेरे आज के क्वेश्चन का जिसका जवाब मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों आज का मेरा क्वेश्चन है आपको ऐसे वर्ड्स बताने हैं जिनमें एक भी वॉवल नहीं आता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको जितने भी पता है आप मुझे कमेंट करके बता दें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी इंटरेस्टिंग पहेलियाँ? ऐसे ही इंटरेस्टिंग पहेलियाँ और क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। थैंक यू व्यूअर्स।